वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस न्यूज। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेंचमार्क्स की। तो सबसे पहले जो है सेंसेक्स कल दोस्तों ग्रीन सिग्नल देकर बंद हुआ है दोस्तों 59,085 पर। और निफ्टी की बात करें तो कल दोस्तों निफ्टी भी 17,604 पर ग्रीन सिग्नल के साथ जो है बंद हुआ है। अगर गोल्ड की प्राइस की बात है दोस्तों करें तो कल दोस्तों गोल्ड की प्राइस गिरी है 51,354 के आसपास। अभी गोल्ड की प्राइस जो है चल रही है। और अगर डॉलर की बात करें तो 79.81 दोस्तों जो है डॉलर आ चुका है, यानी कि दोस्तों डॉलर जो है थोड़ा बहुत 7 पैसे से गिरा है। दोस्तों पहली खबर सबसे पहले निकल के आती है उबर इंडिया की तरफ से। कल दोस्तों उन्होंने कहा है कि उन्होंने 44,600 करोड़ रुपये दोस्तों जो है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है दोस्तों उन्होंने इंडिया में, जो कि दोस्तों 0.8% जीडीपी के इक्वल होता है हमारी इंडियन जीडीपी के हिसाब से। और दोस्तों उन्होंने 2021 में 1700 करोड़ रुपये दोस्तों एडिशनल जो है अपने पार्टनर्स को, जो ड्राइवर पार्टनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है जो उबर इंडिया दोस्तों वो बाहर की कंपनीज इंडिया में आती है दोस्तों, जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, यहाँ की जीडीपी को बढ़ावा देती हैं। तो दोस्तों अगली खबर निकल के आती है IDBI बैंक की तरफ से। दोस्तों उन्होंने जो है कल एक स्कीम निकाली है FD की स्कीम दोस्तों, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए 500 दिन के लिए। दोस्तों इस 500 दिन की FD पर आपको जो है 6.10% का इंटरेस्ट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से दोस्तों 30 दिसंबर। दोस्तों ये स्कीम जो वैलिड है इस पर दोस्तों आपको कम से कम आप 1 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये दोस्तों इसमें आप जमा करा सकते हो। तो अगर आपको दोस्तों IDBI बैंक में अकाउंट है तो दोस्तों आप जरूर बताइए। और इस स्कीम का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो आपको दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस FD दोस्तों कंपनी ने जो नाम दिया दोस्तों है अमृत महोत्सव FD, इस जो स्कीम है इसको नाम दिया गया है। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है जोमेटो की तरफ से। दोस्तों जोमेटो पे दोस्तों एक एलिगेशन लगाया कि उन्होंने जो तो अभी एक कैंपेन निकाला था, या दोस्तों जोमेटो ने भी कैंपेन निकाला था, जोमेटो यूजर विल नाउ गेट देयर फूड्स ऑन टाइम गारंटीड एंड गेट देयर मनी बैक। दोस्तों अगर जोमेटो अपना टाइम पर अपना डिलीवरी नहीं करेगा तो वो अपने जो है पैसा वापस करेंगे। लेकिन दोस्तों किसी ने एक बंदे ने जो है ऑर्डर किया था और उनका जो है टाइम पर नहीं पहुँच पाया डिलीवरी का ऑर्डर, दोस्तों जो है उन्होंने जोमेटो ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये उनकी कैंपेन की जो वॉल्यूशन से उन्होंने किया है, इसकी वजह से जो आदमी था जिसने ऑर्डर किया था उसने दोस्तों ये गवर्नमेंट को ये शिकायत कर दी है कैंपेन को दोस्तों चंडीगढ़ में SCDRC को, जो भी दोस्तों होता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को। और फिर दोस्तों SCDRC ने कही है कि दोस्तों आप अपने जो जोमेटो से कही है कि आप अभी इस आदमी को 10,000 रुपये पे कीजिए और एक फ्री मील भी दीजिए। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि जोमेटो दोस्तों आपने ऑर्डर किया हो और आपको दोस्तों 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पता चला कि आपका ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया हो? तो दोस्तों इस तरह के काफ़ी सारे केसेज जो है और फ्यूचर में भी हमको देखने को मिल सकते हैं। और पास्ट में दोस्तों जो है जोमेटो अभी ऐसी कई सारी गलती कर चुका है। और अभी कुछ दिन पहले दोस्तों ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने एक ऐड बनाया था जिसको दोस्तों जो है उनके बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और उसके लिए भी उनको अपोलॉजी करना पड़ा था। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों टाटा न्यू और HDFC बैंक दोस्तों कोलैबोरेट कर लिया एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड 2 वेरिएंट्स में आने वाला है। पहले दोस्तों क्रेडिट कार्ड होगा टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरा दोस्तों होने वाला है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। दोस्तों 2 वेरिएंट्स इस कार्ड के आने वाले। दोस्तों इस कार्ड के लिए जो कस्टमर्स हैं वो टाटा न्यू ऐप से अप्लाई कर पाएंगे। टाटा न्यू दोस्तों जो है ऐप जो है IPL के टाइम पे लॉन्च हुआ था। आप दोस्तों अगर कभी भी टाटा न्यू से कोई पेमेंट किया है उसको दोस्तों यूज़ करते हो गूगल पे फोन पे, दोस्तों काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो है UPI के मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों टाटा भी जो है अपना एक टाटा न्यू ऐप ले गया, तो अगर आप उसको यूज़ करते हो तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों अगली खबर निकल के आज दोस्तों अडानी की तरफ से। दोस्तों अडानी जो ग्रीन जोन की कंपनी दोस्तों उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों वो पूरे एशिया का सेकंड हाईएस्ट हो चुका है। पहले नंबर दोस्तों चाइना की इलेक्ट्रिक पावर कंपनी दोस्तों वो आती है। दोस्तों अडानी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का वो दोस्तों 20 से भी ज़्यादा हो चुका है। जनरली दोस्तों ये 1 से कम होना चाहिए, अगर 1 से कम तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों 20 गुना ज़्यादा है दोस्तों अडानी पे दोस्तों 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो कर्ज है। इसलिए दोस्तों मार्केट में खबर चल रही है कि उनके जितने भी बिजनेस हैं वो ओवर लेवरेज हैं, यानी दोस्तों उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और वो अपना कर्ज जो है शायद फ्यूचर में ना चुका पाए। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, एक रेटिंग दोस्तों किसी ने दी थी जिसकी वजह से जो है उनके शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। कल जो है दोस्तों अडानी ग्रीन 3% से ज़्यादा से गिरा है। दोस्तों अगली खबर निकल के आई दोस्तों जियो की तरफ से। उन्होंने दोस्तों जियो ओन हैप्टेक की कंपनी है जिसने दोस्तों जूप इंडिया से जो है कोलेबरेट किया है। दोस्तों अब जियो दोस्तों जो है आपको ट्रेन में दोस्तों फूड डिलीवरी देने वाला है, यानी दोस्तों अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में दोस्तों अगर आपको भूख लगती है तो दोस्तों आप किसी भी स्टेशन पर दोस्तों आप जो है फूड डिलीवरी मंगवा सकते हो। बस आपको सिंपल अपनी व्हाट्सअप को ओपन करना है, आपको ऑर्डर प्लेस करना है अपने सेलेक्टेड रेस्टोरेंट से। जब भी दोस्तों आपकी जो जैसी आपकी ट्रेन जो है पहुँचेगी दोस्तों उस स्टेशन पर आपको दोस्तों ऑर्डर है जो आपको तैयार मिलेगा, बस आपको अपनी सीट पर जो है ऑर्डर पहुँचा दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों जो है कंपनी यूज़ करेगी PNR का, जो आपके PNR नंबर उसको आपको डालना है दोस्तों, आप पता चल जाएगा सब कुछ डिटेल्स PR की मदद से और आपको जो फूड डिलीवरी है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। दोस्तों ये सर्विस है ये जियो दोस्तों 1 महीने पहले लॉन्च करी थी और आज ये सर्विस दोस्तों 250 से ज्यादा सिटीज़ में जो चल रही है। क्या आप दोस्तों कभी इस सिटीज़ ये सर्विस है इसको किसी भी सिटी में यूज़ किया है? दोस्तों आपने देखा है जैसे दोस्तों डोमिनोज ने भी जो ये वाली सर्विस जो है ट्रेन सर्विस वाली शुरू की थी कुछ महीने पहले। तो क्या आप दोस्तों इसको यूज़ किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
दोस्तों अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, ड्रीम फोक्स सर्विस का जो दोस्तों आईपीओ जो है अभी चल रहा है वो दोस्तों कल जो है फुली सब्सक्राइब हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है दोस्तों। रिटेल कैटेगरी में 5 गुना से ज़्यादा जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन दोस्तों। 94 लाख शेयर्स के दोस्तों जो है कंपनी ने बिड लगाई थी, लेकिन दोस्तों सेल भी डाले थे और 1 करोड़ से ज़्यादा तो लोगों की क्वेरी आई है, लोगों ने दोस्तों जो है ऑर्डर डाला है शेयर्स को परचेस करने के लिए। क्या आपने भी दोस्तों जो है आपने भी ड्रीम फोक्स सर्विस की आईपीओ में अप्लाई किया है? अगर किया है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है फेसबुक की तरफ से दोस्तों, उनकी सिस्टम में दोस्तों कुछ ग्लिच आया है जिसकी वजह से 300 से ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया है उनको। उनकी न्यूज़ फीड में दोस्तों उनकी जो फीड है उस पर कुछ भी जो है रैंडम पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए दोस्तों उन्होंने रिपोर्ट किया है। और दोस्तों फेसबुक में ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी समय से चल रही है, कुछ भी दोस्तों उनकी ग्लिच आते ही रहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में दोस्तों छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं ये। और यहाँ पर दोस्तों जो है फेसबुक दोस्तों इसकी कोई रीज़न अभी नहीं दिया है कि क्यों दोस्तों ऐसा हो रहा है। और फेसबुक में दोस्तों अगर आपको भी कुछ ऐसा देखने को मिला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली खबर दोस्तों टेस्ला की तरफ से निकल के आती है दोस्तों, टेस्ला के जो शेयर है दोस्तों पिछले कुछ 1-2 साल दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब उनके जो शेयर की प्राइस दोस्तों $900 के आसपास चल रही थी, तो 4 अगस्त को दोस्तों उनके जो शेयर होल्डर थे उन्होंने कहा कि अब स्टॉक को जो स्प्लिट कर देना चाहिए। तो 3:1 दोस्तों स्टॉक को स्प्लिट किया गया, 24 अगस्त को दोस्तों जो है स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाएगा और 25 अगस्त से दोस्तों आपको जो यानी आज से स्टॉक जो स्प्लिट हो गया उसी से आप ट्रेड करवाओगे। यानी कि दोस्तों शेयर को $290 से दोस्तों आप ट्रेड करोगे आज से, क्योंकि स्टॉक को दोस्तों 3 भागों में बांट दिया जाएगा। अगर आपके पास दोस्तों किसी पुराने शेयर होल्डर के पास एक स्टॉक होगा तो आप उसको उसकी बदली 3 स्टॉक मिल जाएंगे, यानी कि दोस्तों 300-300 के 3 स्टॉक मिलेंगे अभी दोस्तों जो $900 उनको मिल रहा था। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात रहेगी क्योंकि दोस्तों टेस्ला का स्टॉक $900 यानी कि लगभग दोस्तों आप मानिए 72,000 के आपको हो गया, तो जो कि काफ़ी दोस्तों महंगा हो चुका है। इसको दोस्तों करना जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो दोस्तों उनके जो छोटे मोटे जो दोस्तों इन्वेस्टर्स होते हैं वो दोस्तों जो है शेयर्स को परचेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि दोस्तों रिलायंस का शेयर 2,500 रुपये का है, तो किसी के पास अगर 2,500 रुपये नहीं है तो दोस्तों किस तरह से जो रिलायंस में अपनी एक हिस्सेदारी बना सकता है? अगर रिलायंस दोस्तों अपने शेयर को 1:10 में बांट दे, यानी अपने शेयर को दोस्तों 10वें हिस्से तक बांट दे, तो उसकी जो एक शेयर की वैल्यू है दोस्तों वो 200 रुपये हो जाएगी और 200-250 रुपये हो जाएगी। और फिर दोस्तों अगर आपके पास 200-250 रुपये तो आपको उसका एक शेयर भी मिल पाएगा। तो इसलिए दोस्तों कंपनी जो है अपने शेयर को सस्ता करने के लिए जो स्टॉक को स्प्लिट करती है। तो देखते हैं दोस्तों कब तक जो है और भी ऐसे कंपनी जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो कब करते हैं, लेकिन टेस्ला दोस्तों ये ऐसा आज कर दिया है। अगली खबर दोस्तों YouTube की तरफ से निकल के आती है दोस्तों, YouTube जो शॉर्ट्स हैं वो काफ़ी रैपिडली दोस्तों ग्रो कर रहे हैं। एक दिन दोस्तों 30 बिलियन से ज़्यादा YouTube पर दोस्तों YouTube शॉर्ट्स के द्वारा व्यूज़ आ रहे हैं और YouTube दोस्तों शॉर्ट्स के लिए शॉर्ट्स फंड भी लेके आए हैं। तो काफ़ी तेज़ी से दोस्तों जो है लोग बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे आ गए हैं जो सिर्फ शॉर्ट्स बना बना के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और जो है व्यूज़ को गेन कर रहे हैं। अब दोस्तों YouTube जो शॉर्ट्स हैं वो TV पर भी दोस्तों जो आपको देखने को मिलेंगे, YouTube ने जो अनाउंस कर दिया है। गूगल TV और एंड्रॉइड की अगर आपकी TV है दोस्तों आप उसमें YouTube पर शॉर्ट्स भी देख पाओगे। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों YouTube जो शॉर्ट्स को अब TV में भी लेके आ रहा है। क्या आप दोस्तों शॉर्ट्स को देखते हो और आपको कितने पसंद है तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की बिजनेस और फाइनेंस न्यूज़, फंडिंग न्यूज़ आज की सब यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आपने दोस्तों वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही डेली वीडियोज़ के लिए।